हम बात करेंगे फुकरे जो होते हैं, लुफंगे बोलते हैं, लोफरी बोलते हैं, ये भी एक उम्र होती है। जैसे भेड़ के 2.5 दिन आते हैं ना, वैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, उन पर भी 2.5 दिन आते हैं। पहले तो हम स्कूल में डालते हैं उन्हें, बढ़िया स्कूल में डालते हैं कि बच्चा अंग्रेज बन जाएगा, अंग्रेजी बोलेगा, ये करेगा वो करेगा। अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में हम उनको ज़िंदगी कैसे जी जाती है, हमारा समाज क्या है, हमारा देश क्या है, हमारा जो पेरेंट्स हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान करता है, कोई इधर से पैसे बनाता है, कोई उधर से पैसे बनाता है, कुछ लोगों के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी या धन कमाने के अलग अलग, जाने का हर किसी का तरीका है। अभी मैंने देखा है एक लड़का था, कॉमर्स की ट्यूशन पढ़ते हैं, तो आजकल आपको मालूम ही है 20-30 फुट सड़कें हैं, जितनी भी सड़कें होती हैं, तो पहले उनके एक लाइन में स्कूटर लगे थे, उसके पीछे पकड़ा था, मोटरसाइकिल बीच में ऐसे खड़ा हुआ था, अभी कोई दूसरे जो लोग आए हैं ये नहीं सोच रहे कि मैं आगे कर लूँ जो निकल जाए। जब वो मोटरसाइकिल पता क्या था, छोटे से कद का होता है, वो 2.5-3 लाख का बोलते आता है, पहले तो उसके माँ बाप के बारे सोचा जाए कि उसका बाप कैसा होगा, वो कौन सा हरामी पना था, जब ऐसे हरामी जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं उनको वो समझाते नहीं हैं, हराम जादगी करने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं उनको। उनके माँ बाप को तो सोचना चाहिए ना, जिद कर रहा है वो बच्चा, किसके लिए जिद कर रहा है। अगर वो स्टूडेंट है तो अपनी परफॉर्मेंस बहुत सारे तरीके हैं, स्टेज पर दे सकता है, पढ़ाई में दे सकता है, वो स्पोर्ट में दे सकता है, गेम में दे सकता है, स्पीकर बन सकता है, पता नहीं ना कितने जाने की आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए इतने चांस है। मोटरसाइकिल ले दिया तो वो बड़ा थोड़ी बन जाएगा, वो तो फुकरापन होता है, उनको फुकरा बोलते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को वो ये नहीं। अगर बच्चा आपको कि एक्स्ट्रा कुरिकुलम या कोई एक्स्ट्रा जो कोई काम करके आता है या नाम कमा रहा है या कुछ कर रहा है वो, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वही आगे बढ़कर कुछ करते हैं। तो बाकी जो मोटरसाइकिल बड़ा ले लिया या फुकरापन कर लिया, वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, पापा की दुकान पर जाके बैठ जाते हैं वो तो, वो भी जो पापा करता था वही करेंगे, चाहे वो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, चाहे 5 लाख कमाता है, 2 लाख कमाता है, चाहे 50,000 कमाता है, उसने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किया। पढ़ाने का भी क्या फायदा ऐसे बच्चों को, जब बैठने पापा की दुकान पर है क्या करेगा पढ़कर भी। पहले अपने बच्चों को देखो कि आप कर क्या रहे हो। अगर अपने वाले उनसे काम करवाना है, दुकान या बिजनेस करानी है जो आप लोगों को चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी टैक्स जो है उसकी चोरी करने वाले ज़्यादा लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि मुफ्त बिजली लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, कुंडी लगाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हेरा फेरी तो हमारे खून में आ चुकी है ना। और ऐसे बच्चों के जो होते हैं जो पेरेंट्स हैं वो जो रोकते नहीं है कि यार बच्चा तो क्या कर रहा है, क्या मैं बातें क्या कर रहा हूँ बंटी, मैं तो भूल गया यार बात कौन सी कर रहा था यार, बात करते करते मैं भूल जाता हूँ यार, है वहाँ मोटरसाइकिल जो होते हैं बंटी मेरे को बताता है जब मैं भूल जाता हूँ। या चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने बच्चे ने फुकरे ना बना दे हो है और कुछ हो। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था मैं हर काम करता था वहाँ पे, हर काम जो होता है लीडर करनी हो, चाहे स्टेज पर चढ़कर बोलना हो, चाहे पेंटिंग कंपटीशन हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे पोएट्री हो, सब काम करता था मैं। तो लोग आपको देखकर या दूसरे जो होते हैं आप ही कहेंगे वाह यार वो जा रहा है, मोटरसाइकिल तेरा कौन नहीं देखेगा, अरे मोटरसाइकिल तो फुकरा बना है तेरा, तेरे बाप ने ले लिया तो चला रहा है, या तेरी कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, या तेरी बहुत बड़ी यानी कि अचीवमेंट नहीं है लाइफ में, अगर अचीव करना है ना कोई तेरे को, अरे अब बुढ़े तू देख रहा है मेरे को, अपने बच्चे को समझा ले हैं, कोई CBSE में पढ़ने के बाद वो कोई बड़ा अफसर नहीं बन जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर अफसर बन जाएगा तो उसको ज़िंदगी कैसे होती है या कैसे जी जाती है उसको वो नहीं पता होता, जो IAS अफसर होते हैं, IPS अफसर होते हैं, वो किताबों में खोकर किताबों वाली पढ़ाई करते हैं। वो बड़ा यार सिस्टम है जो हमारे हिंदुस्तान का खराब हो चुका है, उसके बारे में हम धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। जो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।